वहाँ से एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। इस इतला के बाद में हमारी पुलिस भी सक्रिय हुई थी और गाँव वालों के सहयोग से आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ग्रामवासियों ने एक बाबा पर आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है वो झोली में डाल करके ले गया। उस बाबा को हमने आसपास में तलाश किया जो कि इंद्री में मिला। उसको फिर हमने सामने जाँच किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के आधार पर उसकी प्रथम दृष्टिया कोई भूमिका नहीं पाई। उसके बाद में हमने गांव में ही ग्रामवासियों के सहयोग से एक सर्च अभियान चलाया था। रात के दौरान उस सर्च अभियान में मैं शिवम भी वहां पर गया था। हमारी आज जिला पुलिस वहां पर मौजूद थी और हमने अलग अलग टीमें का गठन किया था। उसके बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास एक महिला ने आवाज़ दी कि कोई ऊपर उसके टीम के ऊपर कुछ फेंक के गया है। वहाँ पर गाँव वाले और पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जो बच्चा जो कि गायब था वो वहाँ पर पाया गया। बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया जो कि डेड डिक्लेयर हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया। हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें हासिल हुई उसके अनुसार जो बच्चे की मृत्यु है वो जो इंजरी का टाइम है उससे लेकर के पोस्टमार्टम के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप था। अराउंड 24 आवर्स के अराउंड मृत्यु का समय दिया गया था। कुछ लोगों ने एक झूठी खबर भी फैलाई थी कि लगभग 8 घंटे के आसपास मृत्यु हुई है। उस वो बिल्कुल निराधार और असत्य है। जो मृत्यु का जो समय है वो लगभग 24 घंटे के आसपास का है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इंजरी है वो केवल 1 इंजरी दी हुई है और साथ ही जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोट करके हत्या की गई है। उसके बाद में जिस महिला ने उस डेड बॉडी को वहां पर आवाज सुनते हुए देखा था और जिस एक स्वर्णदेह नाम की महिला के बारे में उसने कहा था कि वो उस समय छत से नीचे उतर रही थी उसको भी और वहां पर उनकी जो बहू थी धनवंती उनको भी हमने शामिल जाँच किया था। उसके बाद में सुबह वाला जो एपिसोड था जो डेड बॉडी छत से उठा करके पास में टीन सेट पे फेंकने का उसमें उनकी भूमिका हमें लग रही थी लेकिन जो बच्चे की जो हत्या है उसमें कोई उनकी स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में हमने जो बच्चा लास्ट बार जिसके पास में देखा गया था अंजलि नाम की जो औरत है उसके पास में देखा गया था उससे हमने पूछताछ शुरू करी। काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया इससे हमारी उस पर उसके घटना में शामिल होने की आशंका और बढ़ गई थी। काफ़ी गहनता से पूछताछ के बाद में उसने अपनी भूमिका इस घटनाक्रम में स्वीकार की थी और साथ ही हम उसके बाद में जो जो उसने बताया था उसके आधार पर मौके पर लेके गए और काफ़ी जो मामले से रिलेटेड और रिलायबल एविडेंस वहां से हमें बरामद हुए। जो अंजलि नाम की जो आरोपी है उसने ये स्वीकार किया था कि बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो CID नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केबल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हो सकता है घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। साथ ही बच्चे को जहाँ मार के रखा गया था जो बेड के नीचे वहाँ से भी हमने एक वुडन पीस है वो हमने FSL में भेजा है। FSL की जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो वहाँ पर निशान मिले हैं वो ब्लड के स्टेंस हैं और ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है। साथ ही हमने जो बैग जिसमें उस लड़के को डाल के रखा गया था और बाद में अंजलि ने छत पे लेके गई थी वो बैग भी रिकवर किया है। उसमें भी जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रेस से जो ब्लड मिले हैं। साथ ही हमने एक चादर भी बरामद की है और जो केबल है वो भी हमने इस मामले में बरामद की है। जो 3 आरोपी हैं अंजलि और इसके अलावा जो 2 और आरोपी है धनवंती और स्वर्णदेह तीनों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अंजलि का हमने कुल मिलाकर के 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था और धनवंती और स्वर्णदेह का 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। तीनों को बाद में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मर्डर का कारण सर पता चला सर? मर्डर का कारण क्या था सर? लोग रीजन पूछ रहे हैं, अभी रीजन क्या रहा, रीजन निकल के नहीं आ रहा। लोग सिर्फ इसी बात पर ही वो कहते हैं कि कारण बताया जाए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया
जब हमने इसको अरेस्ट किया था तब हमने काफी सारे इनके डॉक्यूमेंट्स घर से रिकवर किए थे, जिसमें इसका काफी अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज चला हुआ था। इसके बाद में हमने उन हॉस्पिटल से भी उसको रिकन्फर्म वापस किया है, वहाँ से भी हमने उन डिटेल में रिपोर्ट ली है। साथ ही हमने कल्पना चावला हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड भी गठित करवाया था, उसके अनुसार भी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस लेडी को थे, कुछ सुसाइडल टेंडेंस भी थी और फिट्स ऑफ एंगर, मतलब बार बार कभी ऑल ऑफ सडन गुस्सा आना इस प्रकार की भी इसमें वो पाई गई थी। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बोर्ड को लिखा है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस में रखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको डिटेल में रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक जो इश्यू सामने आया है, जो कुल मिलाकर की जो बात सामने आई है वो यही है कि जो पुराना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का इतिहास रहा है उसके हिसाब से, और जो खुद जो बार बार कभी कभार गुस्सा जो आने की शिकायत में जो उसमें रहती है, और साथ ही में ही जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसकी वजह से उसने ऐसा किया। सर, किसी बोर्ड से भी जांच करवाई गई है? जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों ने ये दावा किया था कि तांत्रिक विद्या से रिलेटेड मामला है, बच्चे का लिंग कटा हुआ है, उसको हथौड़ों से मारा गया, दांत गिरे हुए हैं, हाथ में बाल है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी परिवार के लोग मौजूद थे? इस तरह की बातें सामने क्यों आई जिसकी वजह से मीडिया में भी ये सब कुछ चला? देखिए, कुछ जो ये खबरें थी ये बिल्कुल गलत फैलाई गई, बिल्कुल ही असत्य है और निराधार है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड ने किया है, और साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई गई है जिसकी सीडी आज भी हमारे पास में पुलिस टीम के पास में उपलब्ध है। यदि घरवालों को कोई शंका हो तो वो भी उसको शंका का निवारण कर सकते हैं। बाकी जो इंजरीज का जो जिक्र किया गया प्राइवेट पार्ट्स पे या हथौड़ा मार करके चोट पहुंचाने का, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। सर, सीबीआई की जांच परिवार कर रहा है, ऐसी कोई चोट नहीं थी? ऐसी कोई भी चोट नहीं है, थोड़ी सिर के आसपास में थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो भी एक्सटर्नल इंजरी, उसमें भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, और साथ ही केवल एक जो लिगेचर मार्क होता है जो गला घोटा गया उसके जो मार्क्स हैं वो हैं, और जो केबल हमने रिकवर करी है डॉक्टर से हमने ओपिनियन भी ली है, डॉक्टर ने भी अपनी ओपिनियन ये दी है कि जो केबल आपने पुलिस ने जो रिकवर करके डॉक्टर को दिखाई है उससे उस इंजरी के आने की पूरी संभावना है। ब्लड था जो बच्चे का, जो ब्लड जैसे कान से निकला है, आंख से निकला है, नाक से निकला है, सर इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का गला घोट दिया तो फिर ये ब्लड क्यों निकला? सर देखिए, ये आप अगर किसी भी मेडिकल जो भी विशेषज्ञ है आप इससे ये चीजें पूछोगे तो बिल्कुल वो क्लियर कर देंगे, स्ट्रेंगुलेशन में इस प्रकार के लक्षण होते हैं। सर, सीबीआई की परिवार जांच मांग की कर रहा है, सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है परिवार, सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक जांच जिला पुलिस करनाल के पास में है तब तक हम ये इंश्योर करेंगे कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, तथ्यों पर आधारित हो और विश्वसनीय और वैज्ञानिक। सर, रिपोर्ट्स आने पेंडिंग थी, वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सर जो कल आनी पेंडिंग। देखिए, सीरोलॉजी की, सीरोलॉजी और कुछ और रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है, टॉक्सिकोलॉजी की भी रिपोर्ट आ गई है, डीएनए एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो लगभग हमें उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल बोर्ड ने क्या कहा है, वो साइको है, उसे इलाज की जरूरत है। देखिए, उन्होंने उनको हमने पुराना ट्रीटमेंट रिपोर्ट दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा जी इस डिटेल्ड रिपोर्ट देने के लिए हमें कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन हम पूरी बात जवाब दे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें एक डिटेल्ड हम रिपोर्ट जरूर प्राप्त करेंगे ताकि आरोपी को किसी भी प्रकार का इस प्रकार का लाभ न मिले। सर, देखिए, जो धनवंती और जो स्वर्णदेव को हमने अरेस्ट किया है वो जो सुबह का घटनाक्रम था, जब उन्होंने डेड बॉडी वहां पर देखी तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि तुरंत पुलिस को इत्तला करें, इसके बावजूद भी उन्होंने किसी और की छत पर रख देते हैं ताकि डाउट उन पे जाएगा, बॉडी को उठा करके वहां से वहां फेंक दिया। बॉडी को छत पे कितने बजे रखा गया? बॉडी का जो छत पे रखने का जो टाइम है वो लगभग जो एग्जैक्ट अभी 3:30 के लगभग बाद में रखा गया है। देखिए, मैंने जो आज से आपको बताया, पुलिस और ग्रामवासी के सहयोग से सर्च अभियान चल रहा था, उस समय गांव के लगभग बाहर की फिरनी के आसपास में सर्च अभियान चल रहा था। सर, बच्चे की गुमशुदगी का जो मुकदमा था FIR के अंदर 8:50 शाम का दिया गया सर, वो एक्चुअली में दर्ज कब हुआ था, इन्फॉर्मेशन कब आई थी? देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास में 3 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, तभी मैंने SHO को कॉल भी किया था और SHO को संज्ञान में पहले से ही मामला था, वहां पर टीम मौके पर गई थी, तुरंत बाबा पे आशंका जाहिर की और तुरंत टीम बाबा को लेने के लिए निकल गई थी। उसके बाद में घरवालों से कांटेक्ट किया गया कि आप साथ में थाने में भी आ जाओ ताकि आप रिपोर्ट भी दर्ज कर सके, फॉर्मल औपचारिक रूप से मुकदमा भी दर्ज हो सके। तो जैसे ही हमारे पास में रिटर्न में कंप्लेंट आई उसी समय मुकदमा। अंजलि ने ये बात बताई कि वो उसका भी मर्डर करना चाहती थी लेकिन उसके ऊपर उसका बस नहीं चल रहा था, जो हमने इंटरव्यू लिया उसमें ये बात थी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अंजलि उसका मानसिक संतुलन इस तरह का था, मार वो किसी को भी सकती थी? सर देखिए, ये बात जरूर हमारी पूछताछ में भी सामने आई थी, लेकिन जिस प्रकार से मारने के बाद में भी जो उसके द्वारा प्लानिंग की गई
तो बच्चे को छिपा कर रखना, फिर बैग में डाल देना, फिर रात के टाइम जब कोई गली में दिख नहीं रहा उस समय उसके दूसरे के छत पे रखे आना। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसका हम डिटेल्ड में असेसमेंट करवाएंगे और हम चाहेंगे कि आरोपी को इसका किसी भी प्रकार से लाभ ना। सर, वो जेल में सुसाइड ना करे क्योंकि उसने भी पहले कई बार सुसाइड किया है, तो उस तरीके से आप लोग कितनी सुरक्षा में रखेंगे? देखिए, मैं आज जेल सुपरिटेंडेंट से भी को भी उनको भी अवगत करवा रहा हूँ कि इस संबंध में इस जो आरोपी है इस पे विशेष निगरानी रखी। सर राजेश और जो लवली है सर, इन दोनों का क्या सीन रहा? क्योंकि गांव का और परिवार का दबाव ज्यादा राजेश की फैमिली पे था सर। उनका कहना था एक घंटे में लुधियाना से कैसे आ सकता है सर? ये सर, ये बड़ा वहाँ पर देखिए अफवाह फैली है इस तरह की। देखिए, पुलिस का कार्य है यदि कोई निर्दोष है तो उसको बचाना, और जेल में किसी की इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट जो कानून के अनुसार अपराध बनती है, अगर वो बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना। जो राजेश का जो इस पे कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की है या उनकी भूमिका को संदिग्ध माना है, उसके संबंध में हमने उनका फोन भी रिकवर किया है उसका, और जो उसके फोन में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हमें मिली है, तो उसमें ऐसी कोई हमें कुछ संदिग्ध नहीं लगा जिसके आधार पर उसकी भूमिका इस मामले में जाहिर हो। साथ ही हमने लवली जो कि अंजलि का पति है, अंजलि और राजेश तीनों के फोन है वो फोरेंसिक लैब में भेजे हैं, ताकि इनके यदि छोटा मोटा घर वालों को डाउट भी हो कि उनको डाटा डिलीट कर दिया तो वो भी हम रिकवर करवा। अंजलि की सर, चैटिंग भी हुई थी, अंजलि को डाउट था कि मेरा नाम आ सकता है बीच में, वो चैटिंग भी बताई जा रही है फिंगरप्रिंट के बारे में। दोनों से हमने अलग अलग पूछताछ भी करी थी इस मामले में, तो उसने जो अंजलि है उसने लवली को पोस्टमार्टम के दौरान ये पूछा था कि क्या पोस्टमार्टम हो गया है, तो उसने कहा कि अभी चल रहा है, तो अंजलि ने पूछा कि हो सकता है उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आए, तो उस टाइम लवली ने इस बात पे उतना गौर नहीं किया था, लेकिन जो चैटिंग है वो डिलीट हो रखी है जो पूछताछ के दौरान सामने आया है। तो दोनों तरफ से डिलीट है सर, दोनों तरफ से डिलीट है, तो हमने दोनों के ही फोन जो है वो साइबर फोरेंसिक लोग में डाटा जो डिलीटेड डाटा है उसको रिकवर करने के लिए। वो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार माहौल बिगड़ा, क्यों आखिरकार पुलिस पर ही आरोप लगते रहे कि पुलिस से संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है, 4 साल के बच्चे की मृत्यु होना बड़ी एक दुखदायी घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिला पुलिस भी चाहती थी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी असली जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचा जाए, लेकिन क्योंकि साथ में हमारा काम यह भी इंश्योर करना था कि जांच है वो साक्ष्य आधारित और विश्वसनीय हो, तो हम कुछ रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे थे एफएसएल से। हमें बड़ी मदद मिली, एक्चुअल में एफएसएल से हमें कुछ रिपोर्ट्स बड़ी टाइमली भी मिली, जिससे भी हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। साथ ही हमने जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसकी भी जो विशेषज्ञ है उनसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल से हमने उनसे भी मदद ली, और पहले जिन पे डाउट किया गया उनका रोल केवल सुबह सुबह के घटनाक्रम में मिला, जो दिन का जो घटनाक्रम था उसमें उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में हमने अंजलि से पूछताछ की और फिर हम एक्चुअल में वास्तविक आरोपी तक। सर, राजस्थान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, इनकी नजर थी इस पूरे मामले में, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो जांच हुई है ठीक है, सभी सही आरोपी फिलहाल यानी कि जेल में है। देखिए, डेफिनेटली जो भी कोई बात हम कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और सबूतों के आधार पे कह रहे हैं, और जैसे ही डीएनए एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी तो और हमारी जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। जितने भी अभी तक पुलिस ने जांच करी है, हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हम एक मामले में प्रभावी और निष्पक्ष जांच करके एक अच्छा केस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें, और इस मामले का प्रभावी अभियोजन इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी सुनिश्चित हो, ताकि मामला अल्टीमेटली कन्विक्शन तक पहुंचे। मेडिकल बोर्ड ये कह देता है ये साइको है, तो फिर उसके बचने के चांसेस। देखिए, मैंने जैसे कहा कि क्योंकि इस मामले में अभी काफी सारे जो पहलू है जो हर कोई पहलू में आपको मीडिया के समक्ष अभी नहीं रख सकता, लेकिन हम मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है हमने, उनके समक्ष डिटेल में सारी चीजें हम रखेंगे, और उसके बाद में एक असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त होगी, और मुझे उम्मीद है कि इस मामले को हम जहां अंजाम तक, जो सभी लोग चाहते हैं कि ये मामला एक अंजाम तक पहुंचे और इसमें जिस का भी जितना भी रोल रहा है उसको सख्त सजा मिले। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को पहले से किसी प्रकार की कोई ड्रग्स या कोई जहरीला पदार्थ नहीं दिया सर, सामाजिक ताना बाना टूट गया है, अब लोग अपने बच्चों को अपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं सर, ये बहुत बड़ी एक बुराई सामने निकल कर आ गई है, इसके लिए प्रशासन क्या सोच रहा है? देखिए, हमारे समाज का सामाजिक ताना बाना अभी भी बहुत मजबूत है, और काफी जो लोग हैं वो बड़े प्यार से रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे उदाहरण समाज में कभी कदा भी आते रहते हैं, और इसी के लिए ही जो जितनी एजेंसी है इनका गठन किया गया है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी प्रकार का कोई उदाहरण ऐसा हमारे सामने आए तो उसमें सारे समाज के लोग आपस में मिलकर के उस व्यक्ति को जो सख्त सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिले। आखिरी सवाल है कि बहिष्कार हुआ था राजेश के परिवार का,
लवली का जो परिवार है अब उसका भी होगा, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि आपने तो खुलासा कर दिया लेकिन अभी भी जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ किया जाएगा? वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, इसी में परिवार भी आरोप लगा रहे हैं कि राजेश के परिवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के लोग हमारा काम सही जांच सुनिश्चित करना है, ना कि किसी को झूठा बचाना या किसी को झूठा फंसाना, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। जो जिला पुलिस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने का पुलिस ने पूरी तरह से प्रयास किया और किया भी है कि इस मामले में जो एक्चुअल आरोपी है और जिसकी जितनी भूमिका है उसके हिसाब से जो मामला है वो माननीय अदालत तक पहुंचे और माननीय अदालत में हम अपना जो मामला है बिल्कुल अच्छे ढंग से रखें। कोई भी पक्ष हो, खासतौर पर पीड़ित पक्ष और कोई भी पक्ष हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिला पुलिस का वैधानिक दायित्व। एनालिसिस करेंगे सर उसका भी? बिल्कुल, हम जो भी कि यदि हमें कहीं पर भी लगता है थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को खतरा है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित। लोगों से क्या अपील करेंगे जो आक्रोशित थे और रोड जाम करना जा रहे थे? इस मामले में शुरू से ही परिवारजन भी और आसपास के जो भी लोग हैं और जो समाज के मौजूद लोग भी हैं वो लगातार मेरे से मिलते रहे। मैंने उनको हर बार उनको ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 5 तारीख के आसपास में प्रारंभिक चरण में थी। मैंने कहा कि मैं सारा मामला आपको कंक्लूजन तक तब लेके जाएंगे जब आप हमें कुछ समय दोगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त होने बताया है। कुछ लोग उसमें से संतुष्ट भी थे, कुछ लोगों के अपने अपने डाउट्स थे। वो मैंने उनको ये भी कहा कि आपके जो भी इस मामले में डाउट्स हैं, जैसे सारी रिपोर्टें प्राप्त होती रहेगी हम आपके एक एक डाउट क्लियर करते रहेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो भी डाउट्स हो वो हम डाउट्स उनको क्लियर करें, लेकिन हम ये कतई ये भी नहीं करने वाले कि किसी भी बंदे पे यदि कोई छोटा सा भी आपने संदेह प्रकट किया किसी भी वजह से तो, और उसका कोई यदि मामले में रोल नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सर एक सवाल उठ रहा है कि जो राजेश का परिवार था, माँ और पत्नी, उनको इतनी सुबह कैसे पता चला छत पे सो है? देखिए, इस मामले में जो बात सामने आई थी कि जो अंजलि है वो धनवंती के पास में गई थी और धनवंती ने जब पूछा कि क्या चल रहा है तो उसने ये कहा कि आसपास की जो है वो तो सर्च अभियान पूरा हो चुका है, अब अपने कुछ घर हैं यहाँ के घर वो बाकी रह गए हैं तो तुम भी अपना आसपास में चेक कर लो। इसी के आधार पे धनवंती है वो ऊपर गई थी, जब ऊपर उसने बच्चा देखा तो उसने वापिस आकर के अपनी सास जो की बैठक से आ रही थी उसको बताया कि अपने जो बच्चा जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो अपनी छत पे पड़ा है। उसके बाद में उसकी सास ने कहा कि इस हिसाब से तो हम फंस जाएंगे या लोग हम पे डाउट करेंगे, तो उसने वो अपनी बहू को लेके गई, दोनों ने वहां से बच्चा उठाया और उसके बाद में उसकी सास ने थोड़ा सा आगे ले जाकर के टीम पे अंजली पर सब कैसे हुआ सर? बेड है, बेड का टुकड़ा एक लैब में भेजा गया जांच के लिए, उसमें खून के स्पॉट मिले हैं और वो एक पुख्ता प्रमाण है इस पूरे मामले में। इस मामले में वैसे हमारे पास में काफी सारे रिलायबल और साइंटिफिक एविडेंस है और इसमें जो वुडन पीस जहां पर ब्लड स्टेन मिले हैं वो उसी एफएसएल रिपोर्ट जो रिपोर्ट है उससे भी पुष्टि हो चुकी है कि वो जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो ह्यूमन ओरिजिन के हैं और ब्लड है। वो डीएनए एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो भी मैच होकर अगर शाम तक आ जाएगी तो हमारी चीज जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। अंजलि पर शक कैसे हुआ? अंजलि पर शक कैसे हुआ जब राजेश के परिवार पर शक था? देखिए, इस संबंध में हमारे पास में जो लास्ट सीन जो बोलते हैं कि अंतिम बार बच्चा या जो भी व्यक्ति है जो विक्टिम है वो किसके साथ में देखा गया, तो हमारे पास में जानकारी सामने आई कि अंतिम बार बच्चा है वो अंजलि के पास में देखा गया। सर अंजलि राजेश और के घर ही क्यों गई? क्या उन्हें भनक थी इस बात की कि इनकी पुरानी रंजिश है? देखिए, ऐसी भी कुछ बातें सामने आई है, वो भी अभी पुष्टि सारी चीजें हम पुष्टि कर लेंगे, लेकिन अंजलि और धनवंती जो है वो आपस में एक दूसरे घर पे वैसे आती जाती रहती थी। तंत्र विद्या का तो कुछ नहीं निकला सर इसमें? देखिए, मामला कोई तंत्र विद्या से या इस प्रकार की कोई जो भी बातें आई थी वो सामने उससे कोई जुड़ा। आखिरी सवाल है सर, CIE 2 ने जांच की, दबाव काफी था, मीडिया का भी प्रेशर था, लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, CIE 2 के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मर्डर का काफी एक किस्म से ब्लाइंड। देखिए, इसमें जो ASP इंद्री है, हिमाद्री कौशिक जो IPS है, उनके नेतृत्व में एक SIT का हमने गठन किया था जिसमें CIE 2 से इंस्पेक्टर मोहनलाल भी थे और मैंने वेरी फर्स्ट डे से यही मेरी तरफ से निर्देश थे कि इस मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निर्दोष चाहे कितने ही दबाव क्यों ना हो फंसे ना, और यदि जिसका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस सीमा तक इन्वॉल्वमेंट है, जो कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, उसके हिसाब से उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारी जो SIT टीम है उसने रात दिन ये मेहनत करके निश्चित तौर पे इसमें काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित की है और आगे भी ये इंश्योर करेंगे कि जो मामला कोर्ट तक पहुंचे तो पुख्ता केस हमारा। अब कोई आरोपी नहीं है सर जिसकी गिरफ्तारी होनी है? देखिए, अभी तक की जांच के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ रिपोर्ट्स और साथ में जो साइबर फोरेंसिक लैब में जो मोबाइल भेजे हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी क्लीन चिट किसी को नहीं है सर अभी अंडर? देखिए, मामला अभी अनुसंधान अधीन है, जब चालान एक्चुअल में हमारा तैयार होता है तब हम कुल मिलाकर ये कहते हैं कि हमारे मामले में जांच पूर्ण हो गई है। साथ ही साथ मैंने DC साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा सरकार ने जो चिन्हित अपराध आइडेंटिफाइड जो क्राइम उसकी स्कीम चला रखी है तो उसमें भी इस केस को इंक्लूड किया जाए, उससे ये क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी
डीसी और एसपी उसमें सदस्य होते हैं, तो हम ये उसका केस का रिव्यू करते रहते हैं ताकि मामले का कोर्ट में जाने के बाद में भी गवाही जल्दी हो और मामला जल्दी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप जी अपील करना चाहेंगे कुछ समाज से कुछ अपील करना चाहेंगे देखिए मैं जितने भी करनाल वासी या जितने भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी भ्रामक असत्य या निराधार खबरें प्रसारित न करें इससे हमारी अनावश्यक रूप से इन्वेस्टिगेशन भी बाधित होती है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने की आशंका रहती है पुलिस के द्वारा जो भी बयान दिए जा रहे हैं उसको ही प्रामाणिक और पुख्ता माने जिला पुलिस ये सुनिश्चित करने का 100% इंश्योर कर रही है कि इस मामले में जांच बिल्कुल निष्पक्ष उचित और त्वरित हो सर करनाल के एसपी ये कोशिश करेंगे कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले बच्चे को न्याय मिल सके देखिए हम इस मामले